जरा मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, भारत माता की। थोड़ी आवाज और पहुंचनी चाहिए, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानीय गण, भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ गंगा की कृपा से आज दोनों प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं, वे पेट्रोलियम और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से संबंधित हैं। मुझे यकीन है कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कानपुर के एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में खोए हुए गौरव को बहाल करने की क्षमता है। वास्तव में दोनों प्रोजेक्ट्स मल्टी प्रोडक्ट्स पाइपलाइन और मेट्रो एक तरह से एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। जैसे जैसे भारत $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, हमारी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि वर्तमान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत ग्लोबल एवरेज से तीसरा हिस्सा है, 1/3। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2014 में जब आपने देश को संभाला, उस समय एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी 1% थी, उसको आपने 1% से लाकर 8.2% तक पहुंचवा दिया है। और जो आपका निर्णय था कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो, वो आपने 2030 का टारगेट भी उसको आगे लाकर 2025 तय कर दिया है। 1 जनवरी 2023 से 20% ब्लेंडेड एथेनॉल पेट्रोल हमारे पेट्रोल पंप्स में मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपने जो हमारा एरिया अंडर एकरेज अंडर प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन है, उसमें भी उसको दुगना आपने करने का निर्णय लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और कई आपने इंपॉर्टेंट मिशन मोड में फैसले किए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि देश की जो पहली मेट्रो लाइन थी, वो माननीय वाजपेयी जी के समय 2002 में चालू हुई थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। कई लोग कहते हैं कि मेट्रो का काम उन्होंने उनके समय शुरू हुआ है। हकीकत यह है कि 2014 में देश में सिर्फ 2048 किलोमीटर मेट्रो लाइन थी, जो बढ़कर आज 742 किलोमीटर तक पहुंच गई है। और कानपुर के जो ये पहला सेगमेंट है मेट्रो लाइन का, इसकी शुरुआत 2 साल पहले ही शिलान्यास हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, और 2 साल में ही ये लाइन ऑपरेशनल होने जा रही है। 772 किलोमीटर मेट्रो तो ऑपरेशनल है, उसके साथ साथ 1037 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन पर इस समय काम हो रहा है, जिसमें दिल्ली मेरठ RRTS या रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 82 किलोमीटर भी शामिल है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या हो रहा है या पूरा हो चुका है। इसमें से उत्तर प्रदेश में कानपुर 5वां शहर आज शामिल होगा और 3 औरों पे काम चल रहा है। 2023 तक
एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन क्षेत्र में 58 बिलियन US डॉलर्स और 2024 तक नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में 60 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। आपने एनर्जी मिक्स में भी नेचुरल गैस का जो हिस्सा है मौजूदा 7% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। देश में आपने 14,500 किलोमीटर की जो गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन थी उसको बढ़ाकर आपने 20,000 किलोमीटर गैस लाइन ऑलरेडी ले कर दी है और आने वाले कुछ सालों तक ये 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी 214 से बढ़ के 250 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी और हमारा टारगेट है जो आपने निर्णय किया माननीय प्रधानमंत्री जी ये 400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बढ़ जाएगी। आज जो 356 किलोमीटर लंबी बिना पंकी मल्टी प्रोडक्शन पाइपलाइन का निर्माण लगभग 1,524 करोड़ रुपए की लागत से किया है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा प्राचीन किया जा रहा है। इसमें ईस्टर्न और सेंट्रल उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न बिहार और सदर्न उत्तराखंड में पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाएंगे। कानपुर की मेट्रो टोटल 33 किलोमीटर इस पर लागत होगी 11,000 करोड़ की और ये उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार का 50-50 रेशियो का एक प्रोजेक्ट है। ये पहली 9 किलोमीटर जो लाइन ऑपरेशनल होने जा रही है कल, इसका काम 2 साल के अंदर हुआ और महामारी के दौरान किया गया। मैं समझता हूँ जो आपके विकास के कार्य हैं ये उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स कानपुर शहर में ईज ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और समृद्धि लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।